अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 26, 27, 28 और 29, 1, 2, 3 और 4, चारों चार समय वो एक एक मार्क के एमसीक्यू है। उसमें क्या है कि आपको कोई अननोन कांस्टेंट आपको फाइंड करना है और फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूस फंक्शन है ही, आपको डिसाइड नहीं करना है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, फंक्शन तो कंटिन्यूस है ही, सिर्फ आपको इसमें रहा हुआ अननोन कांस्टेंट आपको फाइंड करना है। तो देखो 26 नंबर का सम एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू और इज इक्वल टू जीरो के थ्री इफ़ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ लिखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई बाई टू, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स दैट इज के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स एंड एफ पाई बाई टू की वैल्यू 3 है। ओके अब यहाँ से कॉस एक्स यानी कि हम कॉस को साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख पाएंगे, ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, इसलिए तब के बाई टू बाहर निकल जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, देयरफॉर के बाई टू इंटू 1 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर के इज इक्वल टू 6। ओके ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 27, उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 और 3x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 2 है और लेस देन और ग्रेटर देन है, लेस देन और ग्रेटर देन की इक्वालिटी दी है, इसलिए आपको लिखना है एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट की आप कंपेयर करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस यानी 3 आएगा और 2 माइनस में क्या आएगा के एक्स स्क्वायर, अब 3 तो यहाँ पे ला देंगे बाहर, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 4 के इज इक्वल टू 3, देयरफॉर के इज इक्वल टू 3/4। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 28 और 29, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट की कंपेयर करना है और के फाइंड करना है। चलो आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, ए एक्स प्लस बी इफ 2 लेस देन एक्स लेस देन 10 और थर्ड 21 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूस है, आपको इसके पर से ए और बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ए एंड बी, तो कौन सा पॉइंट है, देखो 2 एंड 10, अब आपको इसके अंदर डिसाइड करना पड़ेगा कि फंक्शन कौन से पॉइंट में कंटिन्यूस है, तो कौन सा पॉइंट 2 और 10 लेंगे, क्योंकि ये पूरा जो फंक्शन है वो 2 और 10 आगे से ही ब्रेकेबल हो जाता है, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो जाती है सभी की, इससे आपको एक बार 2 से बात करनी है और एक बार 10 से। एफ इज अ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस यानी एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा, एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा यानी ए एक्स प्लस बी और लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एक्स की वैल्यू 2 से कम, एक्स की वैल्यू 2 से कम तो क्या आएगा 5, अब एक्स की जगह पे 2 पुट कर दीजिए तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इट इज़ द रिजल्ट नंबर 1। अब 10,
कौन सा फॉर्म लेंगे 10। एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 10, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 10 प्लस, 10 प्लस यानी 21 और 10 माइनस, 10 माइनस यानी एक्स की वैल्यू 10 से कम, ए एक्स प्लस बी 21 एज इट इज, एक्स की जगह पे 10 पुट करेंगे तो 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 21, इट इज अ रिजल्ट नंबर 2। बाय 1 एंड 2 बराबर, ये इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एलिमिनेशन मेथड हो जाएगी, 10 ए प्लस 5 बी इज इक्वल टू 25 और 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 21, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या तो इक्वेशन 2 में, मैंने इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, अब b की जगह पे 1, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, चलो आगे 31। अब 31, 32, 33 एंड 34, 31, 32, 33, 34, फोर ये चारों चार जो क्वेश्चन है वो एक ही मेथड के हैं। तो कौन सी मेथड के है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो इसमें आपको क्या करना है, तो कौन सी मेथड क्या समय में आपको समझाऊँ आपको कि हाँ देखो एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, जी भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन एफ ओ जी या तो जी ओ एफ, तो ये कंटिन्यूस ही फंक्शन होता है, ऐसा हम थियरी में एक बार मैंने आपको समझाया था, जैसे कि एच फंक्शन कंटिन्यूस है, जी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो एच ओ जी फाइंड करो या तो जी ओ एच फाइंड करो तो ये कंटिन्यूस ही होता है। ओके, इसी तरह अपने को मान लो कि साइन एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो अपने को डिसाइड करेगा कि ये फंक्शन को कौन से दो फंक्शनों का कंपोजिशन फंक्शन है, तो इसके बारे में ये फोर क्वेश्चन इस मेथड के है। तो चलो देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, तो लेट अपने को सपोज करना पड़ेगा कि एच फ्रॉम आर टू आर एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी फ्रॉम आर टू आर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन यानी एच ओ जी कंपोजिशन फंक्शन एच ओ जी फ्रॉम आर टू आर, अब एच ओ जी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो ब्रैकेट ओ है ना, ओ की जगह पे ये ब्रैकेट कर देने का, ओ की जगह पे क्या करेंगे ये पूरा ब्रैकेट एच जी एक्स, अब जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे एच के फंक्शन में एक्स की जगह पे, तो कॉस एक्स एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर, देयरफॉर वी से दैट के एच ओ जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, अब कॉस है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन ही हो गया, और कॉस एक्स स्क्वायर यानी कौन सा फंक्शन है एफ एक्स, जो अपने को प्रूव करने का था, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एच एंड जी इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर, देयरफॉर एच ओ जी एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर। देखो क्वेश्चन नंबर 32, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कॉस एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, कौन सा फंक्शन है मोड कॉस एक्स, यानी पहला फंक्शन कौन सा लेना है एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड दूसरा कौन सा लेंगे मोड ऑफ कॉस एक्स, मोड ऑफ एक्स सॉरी, अब जी ओ एच क्या फाइंड करेंगे जी ओ एच, तो जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू ओ हट जाएगा तो ब्रैकेट में एच एक्स यानी कॉस एक्स, अब ये कॉस को कहाँ पुट करना है जी के फंक्शन में एक्स की जगह पे, जी के फंक्शन यानी कि जी का फंक्शन एक्स है उसमें एक्स की जगह पे कॉस पुट करना है, देयरफॉर हियर
function h and g are continuous on R. Therefore, its the composition function g of h f x is equal to mod of cos x is continuous on R.